चलो चलो चलो, ये मेरा परी है, देखो परी काम कर रहा है। बेचारा देखो ना, तुम लोगों ने केयर नहीं किया। वही तो, अरुणाचल का सफर अभी शुरू हो रहा है। ये भी अरुणाचल ही है ना? कैमरा मैन हमको ने इसको बोला, उनका ड्यूटी है ना, हम तो खाना लेके आना है बाहर, खाना नहीं ड्यूटी उसका। मत दुख मत करो दीदी, बात करो आएगा कल परसों, दुख मत करो आप आएगा। चलो हो गया आपका सीओ ये दे हम जी, बाय बाय चलो चलते हैं अभी मेन अरुणाचल का सफर शुरू करते हैं। यहाँ से ये जगह का नाम टीपी है, जो कि बलेबुंग के बगल में ही है। यहाँ से हम जाएंगे, पहले तो सिंचुंग जाएगा, ठीक है, उसके बाद वहाँ से देखते हैं सिंचुंग से कहाँ कहाँ जा के दिखाएंगे। लेट्स एक्सप्लोर अरुणाचल। एक झरना दिखाएगा आप सबको, बढ़िया सा अरुणाचल का झरना देखिएगा, झरना। अब बेटिया अरुणाचल आके कैसा लग रहा है आपको? हंसते उस दिन ये झरना में नहाया था हम लोग, देखो कितना लोग है वहाँ पे, बहुत सारा गाड़ियाँ रखा और ये बगल में देखो नदी इतना बड़ा है। ये झरना जो है एग्जैक्टली आपको टीपी से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे में है, शायद उतना ही होगा, एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है, आना चाहे तो असम का बगल में है, असम वाला तो लगभग एक घंटा में यहाँ पहुँच जाएगा। और ये मेरा छुट्टी है आज तक शायद रिवेन्यू, लास्ट टाइम मैंने बनाया था उनके साथ दिया जब ये लगभग 1-2 महीने की थी। अब ये टोटली कितने महीने का हो गया? ये लगभग अभी 10 महीने का हो गया मेरा बच्चे, है ना। चलो पत्थर देखो इतना बड़ा, खूबसूरत है ना ये झरना, नहीं फंसेगा, टेंशन मत करो, जब ड्राइव कर रहा होगा मैं तो कहीं भी नहीं फंसेगा। आओ दिखाएगा पहला हमारा एक छोटा सा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा मस्त व्यू पॉइंट। अगर जब हम नहा रहे थे ना झरना, हमने जो लोग नहा रहे थे वो वहाँ है, पहले हम लोगों ने नहाया था वहाँ में, आपको मैं फुटेज डाल दूँगा। और यहाँ पे एक रिवर है छोटा सा, शायद आपको नहीं दिख पाएगा क्योंकि ये पार्क अंदर से निकलता है, यहाँ पर भी हम लोग नहाया हुआ है, बहुत बड़ा नदी है यहाँ पे, सही कहते हैं रिवर। अभी हमें यहाँ से होगी गुजरना होगा, ये जितना भी टॉप है ना सर क्रॉस करके जाना होगा हमें। ये जगह जो है आपका एलिफेंट बोलता है, एलिफेंट, ठीक है, यहाँ में एक्चुअली ज़्यादातर आपको यहाँ का जो लोग है इंडिजिनियस वो लोग रहते हैं, बाहर के भी कुछ लोग हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा ढेर सारा यहाँ में वैराइटीज मिलेगा जो कि लोकल का बना हुआ है, ठीक है, जैसे बेम्बू से बना हुआ हो गया और भी अलग अलग जो जंगल का जो प्रोडक्ट होता है ना वो सबसे बना गया। ओके अब यहाँ से पूरा आपको चरा 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 दिया, मतलब आप हो गए यहाँ से, सारा पार हमें क्रॉस करना होगा। ये जो बगल वाला था ना वो दुर्गा मंदिर है, देखो पहाड़ों के बीचों बीच दुर्गा मंदिर बना रखा है और यहाँ में दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते हैं। आज तो शुक्र है कि यार मौसम अच्छा है, देखो वो हो रहा है, वैसे यहाँ पे हमेशा फोगी रहता है, देखो ना। अरुणाचल में चाहे हाइकिंग के लिए हो या ऐसा एडवेंचर के लिए हो, है ना,
में आते हैं तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर लगभग 100 या 50 किलोमीटर में आपको छोटा मोटा गाँव देखने को मिलेगा, देश देखने को मिलेगा, जहाँ आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं, नेसेसिटी चीज़ मिल जाएगा, जैसे आपको छोटा मोटा चक्का ख़राब होता है या गाड़ी कुछ ख़राब होता तो वो सब चीज़ यहाँ पर ठीक करने का मिल जाएगा। और इस जगह का नाम है शीशा। एक आवाज़ बार बार सुनने को मिलेगा, ये अरुणाचल का जो मैं सीरियस वीडियो बना रहा हूँ इसमें एक चीज़ कमन सुनने को मिलेगा, या तो मैं बाइक चला रहा हूँ या फिर स्कूटी चला रहा हूँ या फिर गाड़ी, वो है हॉर्न। क्योंकि अरुणाचल का रास्ता बहुत छोटा है और प्लस कर्व बहुत ज़्यादा है, यानी टर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसी वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। यदि आप भी राइड करके आते हो या ड्राइव करके आते हो तो ये चाहे आप अपने साइड में क्यों ना हो